Hello kids in today's class we are going to learn third standard english unit 1 lesson number 1 that is a pretty game so students subscribe the channel and like the video now a pretty game pretty game means beautiful game pretty means sundar beautiful game so every children have their own favorite game like hide and seek cricket football tennis etc ओके सो कैन यू टेल मी विच इज़ योर फेवरेट गेम आपका फेवरेट गेम कौन सा है मतलब आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है सो so, इतने सारे गेम हैं कोई ना कोई तो आपका फेवरेट गेम होगा तो आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है ना लेट स्टार्ट मैं एक एक वर्ड पढ़ाऊँगी तो आपको एक एक लाइन मैं रीड करूँगी से और आपको भी रीड करना है ताकि आपको रीडिंग अच्छे से आ जाए Now, let us start. The sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. Once again, the sun and the rain in fickle weather were playing hide and seek together.

एंड लो रेनबो स्पैंड स्काई चलो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ आपको और आपको मीनिंग याद रखना है सन मीन्स आपको पता ही है क्या होता है रेन मीन्स बारिश फिकल मीन्स वॉट फिकल मीन्स समथिंग दैट चेंजेस क्विकली मतलब जो कोई चीज़ जैसे तुरंत चेंज हो जाए तुरंत बदल जाए वेदर मीन्स मौसम देखो यहाँ पे सन यहाँ पे है रेन आपको पता ये भी रेनी सीजन आ गई है बारिश होते रहती है ठीक है so, सो यहाँ पे क्या हो रहा है सन और रेन बारिश और सन सूरज क्या कर रहे हैं उनकी वजह से सन एंड द रेन इन फिकल वेदर मौसम में ऐसा लग रहा है ना कि मौसम जो है, हो है चेंज हो रहा है वो लोग क्यों ऐसा मौसम क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि वो लोग हाइड एंड सीख खेल रहे हैं लुका छिपी हाइड एंड सीख मतलब छुपा छुपी लुका छुपी होती है ना जो गेम एक कोई बन, एक कोई जो प्लेयर होता है वो अपनी आंखों को बंद करता है बाकी के बच्चे छुप जाते हैं वो काउंट करता है दस तक बीस तक फिर वो जाता है उनको ढूंढने ठीक है उनको ढूंढने जाता है तो जिसको सबसे पहले वो पकड़ लेता है वो आउट हो जाता है फिर वो आंख बंद करके फिर वो काउंट करता है बाकी सब छुपने जाते हैं तो ये होता है हाइड एंड सीख का गेम सो so यहाँ पे वेयर प्लेइंग प्लेइंग का मतलब खेल रहे हैं हाइड एंड सीख ये गेम है टुगेदर मतलब एक साथ ठीक है सो so, यहाँ पे सन और रेन क्या कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सी खेल रहे हैं एक साथ में इसीलिए क्या हो रहा है जो वेदर है वो चेंज हो रहा है तुरंत के तुरंत चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जब सन आ, आ रहा है तो क्या हो रहा है बारिश चली जा रही है ठीक है और जब जैसे ही बारिश आ रही है तो सन uh, मतलब बारिश आ रही है तो सन चला जा रहा है अंदर तो इसके इससे क्या हो रहा है मौसम चेंज हो रहा है वेदर चेंज हो रहा है और वो लोग हाई एंड ऐसा लग रहा है कि वो लोग हाई एंड से लुक् छिपी खेल रहे हैं बारिश आ रही है तो सन छिप जा रहा है सन आ रहा है तो बारिश छिप जा रही है ऐसा लग रहा है कि वो लोग हाई एंड सीख खेल रहे हैं ओके एंड ईच इन टर्न वु ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हीज हाइडिंग प्लेस टर्न मतलब उनका एक का टर्न जैसे हम हाइड एंड सीक में देखते हैं तो जिसका टर्न आता है वो आंख बंद करता है तो टर्न आता है ना एक एक करके सबका गेम में टर्न आता है सो ईच इन टर्न हर एक का टर्न आ रहा है इसमें और क्या कर रहे हैं चेस चेस का मतलब क्या होता है रन आफ्टर समबडी और समथिंग टू कैच दैट पर्सन और थिंग किसी को आ, किसी का पीछा करना किसी के पीछे भागना ठीक है उसको बोलते हैं चेज मतलब पीछा करना तो यह यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों यहाँ पे जब जिसका टर्न आ रहा है वो ट्राई कर रहा है चेस करने की दूसरे वाले को अदर मीन्स दूसरे फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस प्लेस मतलब दूसरी जगह हाइडिंग मतलब छुपने की जो जगह है दैट मीन्स द सन इन दोनों लाइन का मतलब क्या है द सन एंड द रेन कैचिंग ईच अदर फ्रॉम हाइडिंग प्लेस उनके हाइडिंग प्लेस की जगह से क्या कर रहे हैं वो पकड़ ले रहे हैं फटाक से सन किसको पकड़ ले रहा है रेन को तो रेन आ जा रही है बारिश आ जा रही है फिर बारिश आ रही है तो सन छुप जा रहा है फिर क्या हो रहा है जब बारिश आ रही है सन छुप जा रहा है और सन आ रहा है तो बारिश छुप जा रही है मीन्स हियर द वेदर इज चेंजिंग सडनली समटाइम्स इट्स रेनी एंड सम्स इट्स सनी कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है ठीक है कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है ऐसा लग रहा है वो दोनों एक दूसरे का टर्न अपना कर रहे हैं ठीक है एक दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं पीछा कर रहे हैं कभी बारिश कभी गर्मी का मतलब कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश कभी धूप एंड सनी ओके एट लास्ट मीन्स अंत में सबसे लास्ट में दे मे टू से वे मिलते हैं और कहते हैं गुड बाय लास्ट में मिलते हैं जैसे आप लोग भी गेम खेलते हो लास्ट में बोलते हैं गुड बाय तो ऐसे ही वो दोनों भी And rain. एक साथ मिलते हैं, लास्ट में गुड बाय बोलते हैं एंड लो रेनबो एंड क्या हुआ बारिश भी चली गई सन भी चला गया अब क्या निकला देखो इंद्रधनुष बोलते ना इंद्रधनुष दिस इज रेनबो इन सेवन कलर्स सो रेनबो मीन वेन द सन इज शाइनिंग एंड इट्स रेनिंग somewhere एट द सेम टाइम यू कैन सी a रेनबो बारिश भी हो रही है बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है उसके बाद जब बारिश और धूप दोनों बंद हो जाती है तो आप देखोगे कि उसी टाइम पे अगर मतलब सन भी है धूप भी है और उसी पे बारिश भी हो गई तो आप देखोगे कि वहाँ पे रेनबो निकल आया एंड इट्स ऑलवेज इन इट्स इन ऑर्डर कौन कौन सा कलर रहता है सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे रेड फिर आपको ऑरेंज दिखेगा कलर इसका फिर आप देखोगे तो येलो रहेगा फिर ग्रीन फिर ब्लू फिर इंडिगो लास्ट में वायलेट रहता है तो ऐसे हमेशा ये कलर मतलब जो भी कलर रहता है ये ऑर्डर में रहता है सिक्वेंस में रह, रहता है लाइन में ठीक है सो इस तरह से सात कलर होते हैं सेवन कलर होते हैं इसमें रेनबो में ओके तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है एट लास्ट दे मेड टू से गुड बाय एंड लो अ रेनबो स्पैंड मतलब क्या है स्प्रेड ओके स्प्रेड स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू दू अदर मीन्स की एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह तक एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह तक. पूरा क्या फैल गया स्प्रेड हो गया रेनबो फैल गया uh, तो यहाँ पे स्पैंड का मतलब होता है स्प्रेड होना यहां पे देखो स्पेलिंग लिखा है स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू दी अदर तो एक जगह से दूसरी जगह तक जब ये दोनों लास्ट में गुड बाय बोले, मतलब बारिश भी चली गई सन भी चला गया तो फिर क्या निकल के आ गया एक रेनबो निकल के आ गया ओके okay. अभी चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं रीड द पोएम अलाउड आपको जैसे मैंने पढ़ा है आपको भी जोर जोर से ये पहला क्वेश्चन यही है कि रीड द पोएम अलाउड आपको अच्छे से पोएम पढ़ना है हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक टेली टेलीटिन शॉट शॉर्ट तो हाई एंड सीख जो ये गेम है वो कैसे खेला जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे खेला जाता है उसको लिखना है आपको आंसर में तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस गेम कैन बी प्लेड बाय मोर देन वन चाइल्ड तो एक बच्चा यहाँ पे एक बच्चा नहीं रहना चाहिए टू मतलब दो से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस गेम कैन बी प्लेड बाय मोर देन टू चाइल्ड यहाँ पे लिख सकते हो वन की जगह आप टू लिख सकते हो टी डब्ल्यू ओ टू चाइल्ड लिख सकते हो यहाँ पे वन चाइल्ड क्लोज सी एल ओ एस सी क्लोज हिज आईज एंड काउंट वन टू टेन या वन टू ट्वेंटी भी कर सकते हैं कुछ बच्चे खेलते टाइम वन टू फिफ्टी भी तक काउंट करते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अपनी मर्जी से एंड अनदर चिल्ड्रेन हाइट समवेयर देन द प्लेयर चेज़ देम तो सारे बच्चे छुप जाते हैं और जो जिस बच्चे का टर्न रहता है जो काउंट करता रहता है जो आउट रहता है वो बाद में आंखें बंद कर जब खोलता है जब सब बच्चे छुप जाते हैं तो उनको जाता है क्या करता है ढूंढता है ठीक है तो इसका आंसर ये रहा इसका आंसर मैंने आपको बताया नेम एनी फाइव अदर गेम्स दैट यू प्ले एंड एंजॉय तो आपको क्या करना है फाइव गेम्स के नाम लिखने हैं कौन कौन से ऐसे गेम हैं जो आपको पसंद है उसके नाम आपको लिखने हैं तो मैं आपको कुछ गेम दिखाती हूँ जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा शायद मे बी सो ये देखिए कुछ गेम यहाँ पे है एक तो यहाँ पे देखो ये गेम होता है स्टिक गेम मीन्स वती डांडू मतलब जो गिल्ली डंडा होता है ये गेम आप इस, इस गेम का भी नाम लिख सकते हो और यहाँ पे देखो लड़कियाँ को स्कीपिंग रोप पसंद है तो वो ये गेम भी खेलती हैं और एक ये भी गेम है और बहुत सारे गेम है यहाँ पे देखो यहाँ पे शोल्डर वॉर एंड ये सारे आप देख रहे हो ये भी एक गेम है टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच जो रस्सी खींचते हैं एक ग्रुप यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे और और एक गेम यहाँ पे देखो पासिंग द बॉल दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गेम थ्री लेगेड रेस ये तो आपने जरूर खेला होगा स्कूल में दो बच्चे इस तरीके से रोप से अपने पैर को बांध के खेलते हैं और ये देखो सब इंटरेस्टिंग गेम है रोलिंग द टायर ये तो रूरल एरियाज़ में खेले जाते हैं लगोरी ये तो भी आपने खेला होगा लगोरी गेम ये क्या होता है इसमें इस, इस तरीके से टाइल्स रखे जाते हैं सेवन टाइल्स रखे जाते हैं और बॉल उस पर फेंके जाता है फेंका जाता है वो हुआ और यहाँ पे जंपिंग इन एंड जंपिंग आउट ये भी आपने खेला होगा गेम इसका भी नाम लिख सकते हो आप ब्लाइंड मैन बफ इसमें एक एक बच्चे के जो आउट रहेगा उसके आंखों पे इस तरीके से पट्टी बंधी रहेगी और जिसको वो टच करेगी वो फिर से आउट हो जाएगा और फिर वो उसकी आंख पे पट्टी बंधेगी जो आउट हो जाएगा और यहाँ पे देखो बहुत सारे गेम हैं लेमन एंड स्पून इस तरीके से ये भी एक गेम है थ्री लेगेड रेस होपिंग इस तरीके से हॉप करना ठीक है कबड्डी भी होता है ठीक है कैचिंग द कुक वाइल्ड क्लाइंबिंग ट्रीज़ ये भी एक तरीके का गेम है लेकिन यहाँ पे आप नहीं खेल सकते ये रूरल एरियाज में खेल सकते अपने अपने गांव में खेला होगा ऐसा गेम लॉक एंड की ये भी आपने खेला होगा और यहाँ पे इतने सारे गेम मैंने आपको बताए ठीक है इतने सारे गेम आप खेल सकते हो और इसका नाम भी लिख सकते हो जितने जितने मैंने आपको गेम बताए और इसके अलावा आपको कोई और आपका फेवरेट गेम हो जो आपको पसंद हो तो आप वो भी गेम लिख सकते हो यहाँ पे नो no प्रॉब्लम तो इतने सारे गेम मैंने बता दिए आप उसमें से कोई भी गेम लिख सकते हो पांच एनी फाइव गेम नाउ कॉपी द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो गिवन बिलो तो आपको क्या करना है जितने सारे नाम दिए गए हैं यहाँ पे तो ये कौन से गेम है सॉरी ये कौन से कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं सेवन कलर्स होते हैं रेनबो में तो सेवन कलर्स आपको याद भी करने हैं और लिखना भी है तो आप ये बहुत सिंपल लिख सकते हो याद कर सकते हो ये जो पहला वी है ना वी आई का आई बी जी वाय आर सो विबग्योर विप ग्योर, ग्योर ऐसे याद करना है सबका एक एक वर्ड तो ऐसे आपको याद जाएगा वी फॉर वी फॉर वायलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर ब्लू G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. तो इस तरीके से आप विप ग्योर करके आप ऐसे लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो Now नैक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ picture of rainbow. बहुत ही सिंपल है रेनबो का पिक्चर बनाना आपको क्या करना है जस्ट आपको सबसे पहले आपको कौन सा कलर वहाँ पे लगाना है सबसे पहले आप कलर लगाओगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ठीक है सबसे पहले आप लगाओगे रेड कलर ऐसे आपको कलर करना है फिर आपको कौन सा कलर करना है यहाँ पे ऑरेंज फिर तो तीसरा कलर कौन सा करना है मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको कौन सा करना है यहाँ पे मान लीजिए रेड किया रेड के बाद कौन सा करना है यहाँ पे ऑरेंज इस तरीके से आपको अच्छे से बनाना है मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ी सी मोबाइल पे और फिर येलो करना है फिर कौन सा सबको एक में चिपका के करना है ठीक है सबको साथ में करना है उसके बाद येलो के बाद कौन सा ग्रीन सो so ग्रीन कलर से करना रहेगा आपको फिर कौन सा कलर रहेगा आपका ब्लू फिर ब्लू कलर करना रहेगा ओके फिर ब्लू के बाद कौन सा इंडिगो सो so यहाँ पे आपको इंडिगो करना रहेगा फिर वायलेट सो so आपको वायलेट करना रहेगा इस तरीके से आपको अलग अलग कलर से सेवन कलर से आपको कलर करना रहेगा और ये सब याद भी करना है सारे कलर्स के नेम आपको याद रखना है राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर स्काई तो वेदर से रिलेटेड और क्या हो सकता है सीजन हो सकता है सीजन ठीक है स्काई से रिलेटेड हो सकता है क्लाउड्स क्लाउड्स हो सकता है ओके okay? और स्काई से रिलेटेड क्या हो सकता है सो so, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्काई से रिलेटेड ब्लू स्काई लिख सकते हो आप और यहाँ पे लिख सकते हो स्काई से क्या आता है रेन आता है तो रेन लिख सकते हो वेदर से आप लिख सकते हो यहाँ पे एटमोसफियर लिख सकते हो ऐटमॉसफियर एटमोसफियर लिख सकते हो ठीक है तो दो दो लिख दिया उतना भी चलेगा ओके okay, सो so यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिया कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपनी फैमिली से बोल दीजिए अपने पेरेंट्स से बोल दीजिए अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आपके लिए यहाँ पे कमेंट छोड़ दे या फिर आपको बताए कि कैसे कॉमेंट किया जाता है ठीक है आप भी कर सकते हो सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे गो एंड कम और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको वो वीडियो मिल जाए ओके बाय बाय